जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपनी मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोड़िया। दोस्तों, अगर आपने भी ठान लिया है कि मुझे इस बार किसी भी हालत में MP फॉरेस्ट गार्ड मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको दोस्तों आज मैं देना चाहूंगा एक ऐसी गाइडलाइन या एक ऐसी सलाह दोस्तों, जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो दोस्तों, क्या है वो गाइडलाइन, देखिए। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों कि सिलेबस उठाइए, सिलेबस टॉपिक वाइज उठाइए, और उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी कंडीशन में एनी हाउस शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारे सोर्सों से क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्ट का कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक ही किताब से नहीं आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, विभिन्न शिफ्टों में होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, विभिन्न सोर्सों से क्या बनाता है, क्वेश्चन पेपर बनाता है। इसलिए दोस्तों आपको भी उसी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो विभिन्न सोर्सों से आप क्या करिए, डाटा कलेक्ट करिए, फैक्ट कलेक्ट करिए, और उसको एक शॉर्ट नोट्स वाले आपकी जो नोट्स है उसमें बनाइए, ठीक है। और उससे क्या होगा दोस्तों, उससे यह होगा कि आप मान के चलो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यदि आपने बुक से पढ़ा, ठीक है, तो आपको मान चलिए आपने फिर उसके बाद वीडियो कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब में, या कहीं आपको आपको उस PDF मिल गए, या फिर आपने कोई उसको गूगल क्रोम या इंटरनेट पर सर्च कर लिया, तो वहां जो भी फैक्ट मिले आपको जिस टॉपिक में, उसको दोस्तों उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, लिखते हुए चलना है। तो उससे आपके फैक्ट भी ज्यादा कवर होंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका रिविजन भी बार बार होता जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों आपको सारे टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे दोस्तों तो आपको एग्जाम के 15 दिन पहले, ठीक है, रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी। और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूजिया होगा। क्या होगा? कन्फ्यूजिया होगा, कन्फ्यूजन होगा। फिर आपको यह समझ में नहीं आएगा कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के जो कन्फ्यूजिया पॉइंट रहते हैं दोस्तों, और तो इस प्रकार के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, एग्जाम के 15 दिन पहले रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम के 15 दिन पहले आपको ये भी इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि हमें तो कुछ याद नहीं है, हमने जितना पढ़े थे सब भूल रहे हैं। फिर आप मुझको कमेंट करोगे, सर हम सब भूल रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, अभी से तैयार हो जाओ और शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम के 15 दिन पहले लिख के रख लो, आप मुझको जरूर कहोगे सर हम सब भूल रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, बार बार रिवीजन करते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, बार बार रिवीजन करो, जितने ज्यादा फैक्ट जिस टॉपिक के आपको जहां से भी मिल रहे हैं सबको लिखते चलो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मान चलिए आपको YouTube वीडियो से देख रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को एक बार देख सकते हो, दो बार देख सकते हो, लेकिन एग्जाम के 15 दिन पहले आपको अगर रिवीजन करना है तो YouTube से वीडियो तो ना देखोगे। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ दोस्तों आपको क्या है, आपके फैक्ट और आपका जो डाटा वोकैबुलरी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल पोस्ट कितनी आ रही है, 10, 15, 20, और कोर्स कितने बिक रहे हैं लोगों के, ऑनलाइन कोर्स कितने बिक रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के हजारों कोर्स बिक रहे हैं, ठीक है, और सभी हजारों स्टूडेंट उस कोर्स को खरीदेंगे तो वो एक सा पढ़ेंगे, ठीक। तो फिर क्या होगा, सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन उसी का होगा दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेगा, ठीक, मतलब उस कोर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।